हेलो फ्रेंड्स, आप अगर मोबाइल से अगर स्कैन करना चाहो किसी डॉक्यूमेंट को और मोबाइल स्कैनिंग स्कैनर करना चाहो तो आप कैसे करोगे उसके बारे में बताऊंगा आपको, और बड़ी आसानी से बताऊंगा। और इसमें जो आपको फीचर बताने जा रहा हूँ उस फीचर के अंदर आप प्रो जो है उसका प्रीमियम फीचर है उसको भी आप फ्री में डाउनलोड कैसे करो उसके बारे में भी मैं आपको पूरा बताऊँ। तो पूरी जानकारी के लिए आप दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के लिए आप जैसे इस हमारे आइकन पे इस एक चैनल पे जाएंगे, इस आइकन को जो दबाना है आपको और बेल आइकन को दबाना है ताकि अपडेट्स तुरंत मिल जाए। तो आइए चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप करो। तो इस स्कैनर का नाम है, मोबाइल ऐप जो स्कैनर है इसका नाम है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर ऐप्स इसको इंस्टॉल कहाँ से करो, कहाँ से डाउनलोड करो इसके बारे में पूरा आपको बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ। तो दोस्तों ये जो ऐप्स है इस ऐप से आप कुछ इसमें सेटिंग्स आपको करनी होगी, और सेटिंग के तौर पे आप इसमें एक विशेष फोल्डर भी जैसे ये ऑप्शन है सारे बना सकते हो। और यहाँ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर ये सेटिंग है, और ये यहाँ जो ऊपर दिया हुआ है इसको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ जो दिया हुआ है आपका इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये क्या है इसके बारे में देखिए ध्यान से आप। तो फ्रेंड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो सबसे ऊपर दिया हुआ है ये यहाँ देखिए आप अपग्रेड यू एंजॉय। तो इसको जैसे आप अपग्रेड करते हो यहाँ अपग्रेड करोगे तो अपग्रेड करने पे आपको यहाँ जो ये दोबारा ये आ गए यहाँ अपग्रेड एंजॉय प्रीमियम, यानी इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर दिए हुए हैं तो उसको आप जैसे अपग्रेड करोगे तो अपग्रेड करने के बाद में आपकी इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। और इस इंटरफेस के अंदर आपको यहाँ देखिए आप यहाँ पर आपसे ये इतने मंथली $5 के आसपास मांग रहा है, और अगर पर ईयर का करना $50 के आसपास, $50 का मतलब आपका हो गया लगभग ₹300 के आसपास से इसकी ₹300 के आसपास इसका फीचर का ये हो गया ₹3000 के आसपास हो गया इस फीचर का। तो इसको फ्री में कैसे डाउनलोड करोगे इसके बारे में, और इस फीचर के अंदर क्या क्या होगा ये एक्स्ट्रा चीज़ें सब बताइए देखिए ध्यान से कि एडिट OCR रिजल्ट्स डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले ये दिया है, और क्रिएट डोस कॉलेज मल्टीपल पेज मतलब बहुत से पेज कर सकते हो, अनलिमिटेड नंबर ऑफ फोल्डर बना सकते हो, 10 GB क्लाउड स्पेस बना सकते हो, और ये सब प्रकार की है। तो ये आप इंजॉय फ्री में करोगे, तो ये सारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले दोस्तों ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँ तो इसको कैसे करोगे, ये सब फीचर्स कैसे काम करते हैं ये सब आपको बताऊँगा मैं, और ध्यान से देखो। इसमें जैसे आप मान लिया जाए सबसे पहले स्टार्टिंग जो ये स्कैनर दिया हुआ है इसमें स्कैन करना है आपको कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे मेरे पास ये सामने डॉक्यूमेंट है इसको मैं स्कैन करके आपको दिखाता हूँ। इसको अलाउ करना है, और जैसे आप अलाउ करोगे ये आपके सामने कैमरा ओपन हो जाए, और मेरे सामने ये बुक्स है। जैसे बुक्स के नोट्स वगैरह आप अपने दोस्तों को भेजना चाहो या कुछ और करना चाहो या आपका लिखा हो कुछ उसका PDF बनाना चाहो बड़ी आसानी से बना सकते हो। इसमें आपको जैसे आप करोगे इस प्रकार से आएंगे, कार्ड को कर रहे हो तो कार्ड पे ऑप्शन पे दबाइए, ग्रीटिंग कार्ड इस प्रकार से आप इसमें दबा सकते हो और जो आपको चाहिए। तो दोस्तों जैसे ग्रीटिंग कार्ड आप यूज़ करो तो ग्रीटिंग कार्ड के लिए कुछ इसमें फ्रेम्स ही खुलेंगे, बहुत से फ्रेम्स खुलेंगे, फ्रेम को आप यूज़ कर सकते हो। और अपन डॉक्यूमेंट यूज़ करें तो आपको डोस पे क्लिक करना है, ID कार्ड के लिए, और इस प्रकार से आप QR कोड स्कैन करना है, QR कोड भी स्कैन करता है। तो जैसे मैं इसका इस पूरे पेज का ये मैंने क्लिप ले लिया आपके सामने, ये पूरा क्लिप हो गया। अब क्लिप लेने के बाद में यह प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद ये तो ये आपका स्कैन हो गया। अब इसको रोटेट कर लीजिए जिस प्रकार से आप इसको इधर घुमाना चाहते हो, तो इस प्रकार से इसको रोटेट कर लीजिए, सीधा हो गया। अब इसमें से आप छोटा बड़ा करना चाहो तो इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो ये, और इसको ये जो आपका राइट का जो सिंबल दिया हुआ है इसमें राइट कीजिए, राइट करने के बाद ये क्रॉपिंग हो जाएगा और ये इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर ऑटो के लिए इस प्रकार से देखो कितना साफ हो गया, क्लियरिटी आ गई। ओरिजिनल रखना चाहो तो ओरिजिनल पे दबा दीजिए, मैजिक कलर रखना चाहो तो मैजिक कलर पे, जैसे मैजिक कलर से क्या आपकी कलरफुल सारी चीज़ें जो कलरफुल आ जाएगी और आप बड़ी आसानी से। फिर आपको क्या करना है इसमें जो भी सिलेक्ट करना है वो कर लीजिए और इसको राइट बटन को दबा दीजिए। जैसे आप राइट बटन को दबाओगे
ये आपका सेविंग हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये पेज यहाँ जो है ये सेव हो गया। अब इसको कंटिन्यू रखिए, जब तक इसको आप बंद नहीं करेंगे कंटिन्यू रखेंगे तो आप ये जैसे इस पे दोबारा और दबाइए, अगला नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इस कैमरे पे। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पे जितने देर तक इस ऐप्स को आप चालू रखोगे इस प्रकार से पीडीएफ इसका बनता जाएगा। जैसे नेक्स्ट पेज ले लिया, इस पेज को फटाफट क्लिप कर लीजिए, और मैंने क्लिप कर लिया। इसको क्लिप करने के बाद में ये प्रोसेसिंग होगी, थोड़ी देर के लिए प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद में इसका डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो जाएगा। तो अब इसमें से आपको छोटा बड़ा करना हो, स्कैन कितना बढ़ाना हो घटाना हो, आप इसको स्कैन कर लीजिए और इस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करें, क्रॉपिंग इमेज आ रही है। क्रॉपिंग इमेज आने के बाद में आप जैसे जो भी लेना चाह रहे हो, ऑटो लेना चाह रहे हो, जो भी लेना चाह रहे हो, उस पर राइट क्लिक कर लीजिए और यहाँ से राइट क्लिक कर दो। और जैसे राइट के सिंबल पे आप क्लिक करोगे आपका ये सेविंग हो रहा है। बड़ा ही आसान और बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हो पीडीएफ। और जैसे आप स्कैन करते जाओ, डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हो, नोट्स स्कैन कर रहे हो या किसी प्रकार के, तो ये आ गया दोस्तों। अब आपको करना क्या है, ये जैसे दो पेज आगे इनका पीडीएफ बनाना है, तो ये आपको पीडीएफ ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इस पीडीएफ से आपको यहाँ इस पीडीएफ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप किस में क्लिक करना, ड्राइव टू पीडीएफ व्यूअर, तो इस पर पीडीएफ व्यूअर क्लिक कीजिए। और जैसे व्यूअर पे क्लिक करेंगे आपका पीडीएफ बन के, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका पीडीएफ बन के तैयार है। तो ये आपका पीडीएफ बन गया, और पीडीएफ बन के आपका तैयार हो गया। तो आप पीडीएफ को शेयर करना चाहो, कहीं पर भेजना चाहो, तो ये आपका पीडीएफ यहाँ आ गया। इस पर आप एक बार थोड़ा प्रेस करके रखें, उसके बाद मोर में जाए, मोर में जाने के बाद ये रीनेम आ रहा है, यहाँ से आप इसको रीनेम भी कर सकते हो। कोई अपना नाम चेंज करना चाहो, कोई डॉक्यूमेंट विशेष नाम देना चाहो, प्रिंट लेना चाहो, सेव गैलरी और कॉपी मूव, जो इसमें काफ़ी ऑप्शन है, इन ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये तो है इसका कैम स्कैनर का। अब कैम स्कैनर के अंदर कुछ फैसिलिटी अलग से दी हुई है, जो मैं प्रो में बता रहा हूँ। प्रो प्रीमियम फीचर जो अभी आपको बताया है, $50 के आसपास, ये 3000 रुपये साल का इसका है। तो प्रो फ्री में, तो दोस्तों प्रो फ्री में कैसे यूज़ करें, तो अभी आपको मैंने अभी बताया था ये प्रीमियम फीचर्स, इसके अंदर ये जो आ रहा है अपग्रेड टू एंजॉय, इसको करोगे। लेकिन अब फ्री का ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी आसानी से कर सकते हो आप। तो दोस्तों अब आपको मैं ये बता रहा हूँ, तो इसमें आपको जैसे मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, और ये ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है। और जैसे आप इंस्टॉल करोगे, फुल वर्जन है इसका, टोटल वर्जन ऊपर दिखा रहा है, प्रीमियम वर्जन ये यहाँ आपको शो हो रहा है। ये हो गया, इसको आपको डन करना है। तो दोस्तों यहाँ से फिर आप डन कीजिए, ये डन का ऑप्शन है, यहाँ से डन कीजिए। जैसे डन करेंगे, डन करने के बाद आप उस पर दोबारा जाइए सी एस स्कैनर पे। तो अब अपन सी एस स्कैनर पे दोबारा जाते हैं, तो यहाँ अपन सी एस स्कैनर पे दोबारा चले जाते हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप कैम स्कैनर से बड़ी आसानी से पीडीएफ तैयार कर सकते हैं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट फोल्डर तैयार कर सकते हैं, और नोट्स तैयार कर सकते हैं, फोटो का अपना एल्बम बना सकते हो, विभिन्न प्रकार के कुछ भी चीज़ें वो आप बना सकते हो। इसको गैलरी से भी पोर्ट कर सकते हो। जैसे आप गैलरी से पोर्ट कहाँ से करोगे, यहाँ से क्लिक कर रहे हो, और यहाँ से क्लिक करने के बाद आप इम्पोर्ट टू गैलरी का ऑप्शन आ रहा है। इससे गैलरी से कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद में जैसे यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हो ये फोटोएँ, और इन सेलेक्ट करने के बाद में इनका आप इंपोर्ट कर लो। नीचे इंपोर्ट लिखा है, इंपोर्ट लिखने के बाद यहाँ आपका ऑटोमेटिक जो ऊपर बन रहा है, ये आपका पीडीएफ बन के तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से ये पीडीएफ बन गया, और ये पीडीएफ आपको क्लिक करना है। जैसे आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे आप बड़ी आसानी से पीडीएफ बना सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बड़ी आसानी से कैम स्कैनर से डॉक्यूमेंट, फोटोज़, एल्बम्स, किसी प्रकार के नोट्स, इनका सबके पीडीएफ तैयार कर सकते हो और उनको यूज़ में ले सकते हो। थैंक यू वॉचिंग दोस्तों।